थेनाना पार्क में बलदे खवातीन ने इफ्तार पार्टी का किया। जिन बलदे खवातीन ने शुक्रवार को थेनाना पार्क अमीना बाग में अमन शांति की नमाज अदा की और उसने अमन शांति की दुआ मांगी। नमाज इफ्तार के बाद पार्टी का आयोजन जिसमें मुस्लिम प्रतिमा ने साथ बैठकर रोजा खोला। रमजान पाक की मुबारकबाद देते हुए सेना सिद्धत ने कहा कि रमजान हमें अप्रेम मानव समर्पण शांति का संदेश देता है। आपस में मिलकर समाजिक भाईचारे को संबंध में सहयोग मजबूत अवसरवादी ताकतों को कमजोर करने का संकल्प लेना है। इस मौके पर कुरान पाक की आयतों की हिदायत तो रोशनी डालते हुए हिजरी कैलेंडर भी बांटे गए जिसमें कुरान के संदेश इस्लाम धर्म के बारे में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और सिर्फ खुद बल्कि खवातीनों को सूचित किया क्योंकि इल्म हासिल कर सलमान मर्द और औरत का फर्ज नहीं है। अबू वतनी इमाम की निशानी है। आदि की उपस्थित खवातीनों में कुरान पाक के संदेश को प्रसारित किया गया। कोई संप्रदाय कोई लड़ाई नहीं होने दी जितना पूरे हिंदुस्तान में भी इस तरह के माहौल बने कि हिंदू मुसलमान आपस में इतिहाद बढ़े क्योंकि हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश है। हमें लड़के रहने का हक ही नहीं है, हम रह ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा जो मिजाज है वो वसुधैव कुटुंबकम का है और अल्लाह का क्या है, अल्लाह तो एक ही है ना, उसको आप राम कह दीजिए, रहीम कह दीजिए, अल्लाह कह दीजिए, ईश्वर कह दीजिए, वो सब एक ही है। तुमने यही अपील आज की है कि माहौल ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे से कोई डरे नहीं और हमें उसमें पहल करनी चाहिए। आज रमजान के दिन आपके पड़ोस में गैर मुस्लिम भी है, आप उनको दावत दीजिए, उनको अपने घर बुलाइए, ईद में बुलाइए, ठीक है, आपस में रिश्ते बढ़ाइए, दूरी कोई चीज़ नहीं है। और जो लोग पॉलिटिकल लोग राज मिलकर जो है वो दरार डालने की कोशिश करते हैं उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें उनके झांसे में नहीं आना है। जो हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमें एक दूसरे के साथ वो बरकरार रखते हैं। और मैं इसी के साथ हिना से कहूँगी कि वो आएँ और